अमित शाह जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे अपना गुंडागर्दी वाला मार्च कहते हैं ना ठप्पा छोड़ देते हैं, चाहे वो गोधरा हो, अयोध्या में भी हमने देखा बीजेपी का, उसके बाद हमने इधर भी देखा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अंधेरे में लाइट काट के मारा पीटा गया स्टूडेंट को, घुसकर जामिया में हुआ, घुसकर यहाँ पर हुआ, और जो यहाँ पे जो कल हुआ है वो उसमें एबीवीपी का एक भी इंसान आहत और घायल नहीं हुआ है, बल्कि एबीवीपी को प्रमोशन मिलेगी। और जो गधे की दुकान है, क्योंकि वो हकलाते हैं बच्चे किस तरह के, रगड़ के दो साल मेहनत करके गरीबी गरीब घर से आते हैं, उन्होंने एडमिशन तो ले लिया बट वो आगे पढ़ने की कैपेसिटी नहीं है, तो उनको पता है कि पैर छुओ तलवे चाटो नौकरी ले लो। विचारधारा को डील करने के लिए उनको लाठी उठानी पड़ी, वो शब्द और दिमाग से वो नहीं डील कर पा रहे हैं, तो बहुत दयनीय अवस्था है उस कम पढ़े लिखे गुंडे पार्टी की। और अमित शाह जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे अपना गुंडागर्दी वाला मार्च कहते हैं ना ठप्पा छोड़ देते हैं, चाहे वो गोधरा हो, अयोध्या में भी हमने देखा बीजेपी का, उसके बाद हमने इधर भी देखा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अंधेरे में लाइट काट के मारा पीटा गया स्टूडेंट को, घुसकर जामिया में हुआ, घुसकर यहाँ पर हुआ, और जो यहाँ पे जो कल हुआ है वो उसमें एबीवीपी का एक भी इंसान आहत और घायल नहीं हुआ है, बल्कि एबीवीपी को प्रमोशन मिलेगी। और जो गधे की दुकान है, क्योंकि वो हकलाते हैं बच्चे किस तरह के, रगड़ के दो साल मेहनत करके गरीबी गरीब घर से आते हैं, उन्होंने एडमिशन तो ले लिया बट वो आगे पढ़ने की कैपेसिटी नहीं है, तो उनको पता है कि पैर छुओ तलवे चाटो नौकरी ले लो, तो उसके लिए एबीवीपी ने फिगर आउट किया कि ब्लू प्रिंट बना है, इधर से एंट्री ले सकते हैं उधर से एंट्री ले सकते हैं, तो जहाँ पे पॉसिबल एंट्रेंस हो सकता था वहाँ से लिया गया है। 5:30 में पहले पुलिस आई है, और एबीवीपी के जो दिल्ली प्रदेश के जो लोग हैं काफ़ी सारे संगठन के, उन सब ने पूरी प्लानिंग की है, पूरी प्लानिंग के तहत ये चौकआउट हुआ प्लान और एग्जीक्यूट हुआ है, और बताया गया है कि कहां कहां जाके आपको ये लाठी चार्ज करना है, अंधाधुंध मारना है करना है, और उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एबीवीपी जेएनयू के नंबर्स ट्रैक हुए हैं, जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया है इस इंसिडेंट जो बर्बरता हुई है उसको अंजाम देने के लिए। जेएनयू एक ऐसा कैंपस है जहां पर कोई भी एंट्री करता है तो वहां पर गेट पर उसकी चेकिंग होती है, और चेकिंग होने के बावजूद इतने जो हथियार आए हैं यहां पर ख़तरनाक, वो कहां से है? चेकिंग होती है, चेकिंग नहीं होती है, ये यूनिवर्सिटी उतना सेफ है कि इतना आतंकवादी वाली फीलिंग बार बार नहीं दी जाती, ठीक है आप बस आई कार्ड दिखाइए चले जाइए। चीज़ ये है, जब हमारा वाइस चांसलर पालतू अमित शाह का हो, जब हमारी गोदी मीडिया जो पावरफुल है करोड़ों का, जिनका बिजनेस और इकोनॉमी चल रही है मोदी भक्ति पर, पाकिस्तान को गाली दो और डिफेंस को अच्छा करो, माँ बच्चे देते देते अगर मर रही है तो मरने दो, माल न्यूट्रिशन से मर रहा है मरने दो, उससे मतलब नहीं है, हमें हिंदू धर्म गाय गोबर करना है, इकॉनमी पर कोई बात नहीं करेगी, नौकरी मिल नहीं रही है, तो चरमराई हुई हालत, शिक्षा का स्तर बहुत बेकार है, मोदी अमित शाह ने एक यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं बनाई, विवेकानंद के नाम पे अगर गैरत कहीं जिंदा हो तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी बना दे अपने टेन्योर में, तो उनसे कुछ नहीं हुआ। मोदी अमित शाह जो गृहमंत्री हैं उनके अंदर में पुलिस है, महकमा है, पुलिस पहले आती है 5 बजे, पूरा फैसिलिटेट करती है, तुम जाओ गुंडागर्दी करो, हम देखेंगे हम करेंगे, तो उन्होंने करवाया है। जो हमारा वाइस चांसलर है उसको बोल बोल के उसके खिलाफ हम लोग थक चुके हैं, बट चीज़ ये है कि जब पालतू किसी के हो तो उसको क्यों हटाएगा, बल्कि उसको तो और स्टार मिलेगा कि आपने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करवाने में मदद की है, तो वो तो जश्न का माहौल है एक संघी गिरोह में और समुदाय में, तो मैं कहती हूँ कि उनका जो था वो किया उन लोगों ने, हम निहत्ते कलम और किताब भारी पड़ रही है मोदी शाह को 12 पास और स्मृति ईरानी को, तो बहुत हम उसी दौर में रह रहे हैं, बहुत शर्मनाक है। मीनाक्षी लेखी जी सुबह काफ़ी छात्राओं से मिली है और उन्होंने कहा है कि कुछ लोग इस घटना को लेकर राजनीति कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इन घटनाओं को लेकर राजनीति कर रहे हैं? मीनाक्षी लेखी ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राजनीति की होगी, चाटुकारिता की होगी, एक किसी भी पार्टी में रहते हो तो उसकी विचारधारा को आपको अंदर करना पड़ता है, तभी आपको प्रमोशन मिलेगी, आपका काम नौकरी चल पाएगी, एक अच्छा प्रोफेशन है पॉलिटिक्स जो है, तो उसमें राजनीति करें सब कुछ राजनीति ही है, पुलिस का पहले आना, फिर गुंडों को मारना पीटना लाइट काट के अंधेरे में मारना, ये नया चीज़ नहीं हुआ है देश के इतिहास में, जहाँ भी दंगे इस तरह से जो गवर्नमेंट कहते हैं ना इनिशिएटेड प्लॉटिंग की गई हो और इस तरह का एग्जीक्यूशन रहा हो, तो गवर्नमेंट ने जो चाहा वो किया, क्यों नहीं कर सकती गवर्नमेंट? सबसे अमीर पार्टी है बीजेपी, पावर में आने के बाद हो चुकी है, मीडिया पूरा खरीद चुके हो आप, इंस्टीट्यूशन पूरा खरीद लिया है, अपोजिशन में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बोल ही नहीं सकती, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं, और है भी तो बेचारे बोल नहीं सकते, अगले दिन ताला लग जाएगा, सो राजनीति कर रही है बहुत। एक औरत के नाम पे स्मृति ईरानी, जब मुझे धब्बा दिखती है तब नीलम लेखी क्या मीनाक्षी लेखी क्या ही चीज़ है, जब वो राहुल गांधी पे करती हैं कि तुमने नहीं पता, मतलब कॉन्कॉक्टेड चीज़ें जब पार्लियामेंट में बोली जाती हैं,
सो बहुत दयनीय हालत है, बहुत बुरे दौर से हमारा देश गुजर रहा है कि जहाँ पे लोग अपनी नौकरी करते हैं परिवार को चलाने के लिए, उसके बाद सड़क पे उतरते हैं पार्ट टाइम प्रोटेस्ट करने के लिए। पूरे देश भर में अगर सड़क पे लोग उतर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आपकी राजनीति में कुछ कमी है। हम लोग कितना टाइम, कितना इकोनॉमी कितनी ख़राब हो रही है प्रोटेस्ट में करने से, और उस प्रोटेस्ट में जो मारा पीटी हो रही है, क्या देश के पास इतने बल है, सुरक्षा बल है कि वो एक नया क्रिएटेड जो ये राइट्स हो रहे हैं और जो ये भीड़ होती है उनको संभालने के लिए पुलिस को डिप्लॉय करें। वैसे ही रेशियो बहुत ख़राब है, हज़ारों में एक पुलिस है, वो पुलिस भी अगर राइट्स को देखने में चली जाए तो जहाँ पे रेप हो रहे हैं वहाँ पे कौन देखेगा, पुलिस है ही नहीं। आपसे एक आखिरी सवाल और, पुलिस को मैंने 3 बार कल फ़ोन किया और मैंने बोला कि अमित शाह के जब भेजे हुए लोग हैं तो 100 नंबर कल मुझे बहुत ही खिलौना वाला नंबर महसूस हुआ कि मैं कहाँ पर फ़ोन कर रही हूँ, कुछ नहीं रिस्पॉन्स आया। मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, कल जो हिंसक लोग थे उनमें कुछ महिला हिंसक भी शामिल थी, हाँ। और उसकी पहचान शायद सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने कर दिया, लेकिन पुलिस ने अब तक उसको गिरफ्तार किया नहीं है, क्यों करेगा, क्या कारण है इसके पीछे? यही कारण है, मोदी शाह जो भी चाहता है वो करवाता है। कश्मीर में जिस तरह से बर्बरता दिखा दी गई है, अलीगढ़ में घुस के मुसलमानों को दिखाना था दिखा दिया गया है। मुझे बस शाह से यही पूछना है कि आप हिंदू को इतना ग्लोरीफाई करते हैं, मैं एक हिंदू हूँ और अपर कास्ट भी हूँ, तो बस मुझे इतना पूछना है कि आप कौन से एरा से हिंदू वाले को ले रहे हैं। हिंदू का जो आजकल का जो प्रेजेंट मानचित्र है अपना देश का, यहाँ से ही हिंदू धर्म है कि इससे आगे और पीछे भी है। हिंदू धर्म पहले आया, धरती बाद में आई, कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही, हिंदू और मुसलमान करके राजनीति करके आप कहां तक देश को लेकर जाना चाहते हो? मतलब लोग आगे जाते हैं, हम लोग पीछे जा रहे हैं, मारपीट यही सब। लेकिन ये है कि इनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो थी वो काम नहीं कर रही है, क्योंकि हर समुदाय के लोग सड़क पे उतर कर आ रहे हैं। कल ऑटो वाला पिटा, जो है मेस वर्कर भैया है वो पिटे, तो उनको पता था कि कहाँ कहाँ किसको मारना है, मार दो पीट दो, कुछ नहीं होने वाला, बाद में हम संज्ञान लेते रहे ये कौन है क्या है। ABBP JNU के लोगों ने पूरी प्लानिंग की है, कोऑर्डिनेट किया है कैसे मारा जाए, वामपंथ को पीटा जाए, जो यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, जिनको यहाँ पे एंट्रेंस भी नहीं हुआ गधे, वो इन्हीं ABBP के कहते हैं ना रेमो करम पे जी रहे हैं, खाना रहना उनका हो रहा है। तो हायर्ड गुंडे हैं, गुंडागर्दी से ही इन लोगों की पूरी दुकानदारी राजनीति चली है अभी तक। कहाँ बोले कहाँ, गोदी मीडिया तो पूरी बिकी हुई है, खरीदी हुई है, तो वो अपने ही चलाएगी, गिने चुने वो पालतू लोग आ जाते हैं बकबकाने के लिए। फिक्स्ड है, गीता भट्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्या लॉजिक देती है गधी। अनिमा सोन का पता है कि SCU कहीं और नहीं हो सकता, यहाँ पे अपना हो जाएगा, तो सबका है, बट उसमें भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। ABBP में अपर कास्ट को ही ऊपर की मिलती है, नहीं मिलती, तो या इनका है कोशिश करने कहीं ना कहीं उनकी दाल गल जाए। थैंक यू। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।